हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब आपको पता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है वो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं और उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है। मैग्नीफाइंग पावर उसकी जो होती है या एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू 1 + d/f, डेरिवेशन उसका हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोबारा से देखना चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डी की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है और एफ है फोकल लेंथ, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ थी। ठीक है, ये जो मैग्नीफिकेशन है ये मैग्नीफिकेशन नॉर्मल यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे माइक्रो लेवल के ऊपर टेस्टिंग करनी हो, जैसे आपका ब्लड सैंपल है उसको आपको टेस्ट करना है, आपको बैक्टीरियाज वगैरह देखने, तो इस लेंस से हम नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम इस मैग्नीफिकेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसको इंक्रीज करने के लिए जो हम लेंसेज का हमने अरेंजमेंट बनाया, जब दो लेंसेज को हम ज्वाइन करते हैं तो मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो जो डिवाइस हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, रे डायग्राम क्या है और इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, स्पेशल केसेस क्या है, वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में आप राइट डाउन करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, दो लेंसेज के पास होते हैं, दो लेंसेज रखती है ये। पहला जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है, किधर होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है, और अपर्चर होता है वो भी स्मॉल होता है। ये तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई लेंस। अब आपको पता लग ही गया होगा आई लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स आई होता है, टुवर्ड्स आई होता है, मॉडरेट फोकल लेंथ होती है, मॉडरेट फोकल लेंथ होती है, और अपर्चर जो होता है वो लार्जर होता है देन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव लेंसेस है उससे इसका अपर्चर ज्यादा होता है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो टू लेंसेज हैं, ये तो दो लेंसेज आपके पास हुए, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस, ये तो उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि आप इस टाइप के लेंस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए, अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, और इसी प्रकार से आई लेंस जो होता है वो मॉडरेट फोकल लेंथ का होना चाहिए, अपर्चर इससे बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे लेंसेज हम यूज़ करते हैं। ये जो दो लेंसेज होते हैं, ये जब आप माइक्रोस्कोप बनाते हो तो एक आपके जो ट्यूब लेते हैं, कोएक्सियल ट्यूब जिसको बोलते हैं, कोएक्सियल ट्यूब ऐसी ट्यूब होती है जिसमें दो ट्यूब होती है, एक ट्यूब है उसके अंदर दूसरी ट्यूब होती है, एक्सिस कॉमन होती है, तो उससे आप क्या करते हो उसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, कुछ इस टाइप से होती है कोएक्सियल ट्यूब। डायग्रामेटिकली आपको मैं समझा देता हूँ, आपने अपने बायोलॉजी लैब में माइक्रोस्कोप देखी होगी, माइक्रोस्कोप में जैसे आपके पास एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को आप इस प्रकार से जब रोटेट करवाते हो तो जो आई लेंस है जिससे ये आई लगा के आप देखते हो वो इस प्रकार से ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है, तो उससे आप क्या करते हो दो जो दोनों लेंसेज हैं उनको अरेंज करते हो एक शार्प इमेज बनाने के लिए। तो उसको कोएक्सियल ट्यूब में क्या होता है, एक इस प्रकार से एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर एक सेकेंड ट्यूब है, ये वाली ट्यूब है का ये जो वाला जो सिरा था यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या लगा देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, और ये वाला जो लेंस है यहाँ पे हम क्या लगाते हैं आई लेंस लगा देते हैं। ठीक है, और रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से दो ट्यूब अरेंज्ड रहते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो लेंथ है ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ट्यूब लेंथ है, इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये आपके लिए समझने के लिए था, आपको एग्जाम में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो होगी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन, रे डायग्राम बनाते हैं अब इसका, और रे डायग्राम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन को ड्राइव करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एग्जाम में कई बार अकेला रे डायग्राम 3 मार्क्स का पूछ चुका है,
तो रे डायग्राम को आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, अच्छे से बनाना है और समझ लेना है, क्योंकि रे डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उसके न्यूमेरिकल्स भी आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज कई बार आपको प्रॉब्लम होती है टर्म्स को समझने में कि ट्यूब लेंथ कौन सी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है, इमेज डिस्टेंस कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो रे डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पहले एक आप ऑब्जेक्ट की तरफ वाला लेंस बना लेंगे, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं स्मॉल अपर्चर का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर उसकी इमेज बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इमेज कंसीडर कर लो। सपोज करो मेरी इमेज यहाँ बनने वाली है, इस लेंस से थोड़ा सा नीचे कंसीडर कर लो, और अब इसकी जो रेज हैं उनको बैक ड्रॉ करो इस प्रकार से। ऐसा क्यों करोगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी देखो। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, जो डायग्राम है वो अच्छे से बनेगा आपका और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते तो इमेज कुछ इस सिचुएशन में बनती है, ऐसी बनती कि जो ऑब्जेक्टिव आप रखोगे तो उसके से वो फोकस अच्छे से नहीं बन पाती फाइनल इमेज। तो आप अनुमान लगा लेंगे इसे थोड़ा दूरी के ऊपर, और जैसे ये जो डिस्टेंस है इसकी, इसे थोड़ा सा नीचे इमेज को कंसिडर कर लेंगे आप और रेज को बैकवर्ड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ ए बी। इस ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई ए डैश बी डैश, ओके। अब यहाँ पे हम रखते हैं आई लेंस। आई लेंस आपने देखा था लार्जर अपर्चर का होता है आई लेंस, तो अपर्चर इसका थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ। अब यहाँ से ये वाली रे है ये आगे ऐसे जाती है, ये वाली रे यहाँ आती है। अब आप अनुमान लगा लो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे पेंसिल से, और अब ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ से इसके साथ ऐसे करते हुए यहाँ ले आओ, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ ले आओ, ये वाली जो रे है इसको आप यहाँ ले आएंगे, और इन रेज को पीछे आप ले जाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे ये जो रे हैं ये आपका क्या बना देती हैं, ये आपका आईपीस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल इमेज है, अब उसको फाइनल इमेज को आप डार्क लाइन बना दो। तो ये हम फाइनल इमेज की डार्क लाइन बना देते हैं ऐसे। डायग्राम को एक एक स्टेप देखते चले जाए, डायग्राम बनाना इसमें बहुत ज़रूरी है, अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये लाइट रे इधर गई और फिर यहाँ से इधर आ रही हैं, ये ऐसे है, ठीक। अब देखो ये तो आपका पास डायग्राम हो गया, डिस्टेंस लिखते हैं, या इस ये जो सेंटर है इसको मैं लिख देता हूँ O1, और ये वाला है इसको मैं लिख देता हूँ O2। वर्किंग समझते हैं पहले इसकी, नेमिंग बाद में करेंगे। वर्किंग समझिए कैसे वर्किंग करता है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ए डैश बी डैश बाई दी ऑब्जेक्टिव लेंस। नाम लिख देते हैं अभी साथ में इसका, ये वाला है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब ये जो है ए डैश बी डैश इमेज ऑब्जेक्टिव की, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब हम आई लेंस को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये ए डैश बी डैश इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, तो फिर आई लेंस इसकी इमेज बनाता है। उसको हम मैं नाम दे देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज बनती है और ये हमारी क्या है, वर्किंग है इसकी। अब नेमिंग कर देते हैं, ये आपके पास आई लेंस है, नेमिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है यू ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है और यू आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस है वी ओ, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए की तरह बिहेव कर रहा था, तो ये हो जाएगा यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी वी ई, इमेज डिस्टेंस फॉर द आई लेंस, ओके। तो ये आपके पास हो गया इसका रे डायग्राम।
अब हमें बात करनी इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन की, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन को मुझे ड्राइव करना है, जिसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, या फिर इसको हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और ये होती है एम इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, एम इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई अल्फा, और इसको नियरली मैं लिख देता हूँ टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा क्या है इनको आप समझेंगे ध्यान से, जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन की स्टेटमेंट है वो नीचे लिखी हुई है, उसको आप वहाँ से पढ़ लेंगे। देखो क्या है यहाँ पे, जो बीटा है, बीटा है जो फाइनल इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो आई के ऊपर कितना एंगल बनाती है, जैसे ये एंगल बनाया फाइनल इमेज ने जो इसको मैंने डार्क कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं बीटा। ओके, अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इस ऑब्जेक्ट को मैंने विदाउट माइक्रोस्कोप देखता हूँ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है, तो हमारी आई के ऊपर कितना एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, बीटा जो इस जो अरेंजमेंट करते हैं हम इस इन माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज बनाने के लिए, वो कुछ इस टाइप से करते हैं कि जो फाइनल इमेज मेरी बनी ए डबल डैश बी डबल डैश, वो जो वी ई है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, उसी पे बनती है। मतलब बीटा क्या है, बीटा है एंगल सबटेंड बाय द फाइनल इमेज ऑन द एडिड आई, एडिड आई मीन देखो आई को ऐड कर रखा अपने माइक्रोस्कोप के साथ, और अल्फा क्या है एंगल सबटेंड ऑन आई बाय द ऑब्जेक्ट, ये अनएडिड आई का है क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट देख रहा था, बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे है 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है, तो देखो टेंजेंट बीटा है टेंजेंट अल्फा है, आप टेंजेंट बीटा निकालो टेंजेंट अल्फा निकालो। डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो डायग्राम है इसको यहाँ से उठाओ और इस डायग्राम पे पेस्ट कर दो। क्या करोगे, इस डायग्राम को यहाँ से उठाओ और इसके ऊपर पेस्ट कर दो, तो आप देखोगे ये वाले जो डिस्टेंस है 25 है, यहाँ से यहाँ 25 और ये भी 25 है, इसका मतलब आपका ये जो ए बी है वो यहाँ आ जाएगा। इसको मैं ब्लू कलर से करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्लू, ये डार्क लाइन कर रहा हूँ ब्लू की, और यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल बना इस केस में, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, मैंने क्या किया इस एंगल को, इस डायग्राम को उठा के इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, अब हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं टेंजेंट बिट्टा, डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, एम इज इक्वल टू टेंजेंट बिट्टा, तो बिट्टा ये है ट्राइंगल आपके पास हो जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपके पास हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ओ टू ए डबल डैश, ओ टू ए डबल डैश। टेंजेंट अल्फा ये ए डबल डैश है, इसको मैं ए वन नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश ए वन, क्या हो जाएगा ए डबल डैश ए वन और डिवाइड बाई ओ टू ए डबल डैश, ओ टू ए डबल डैश, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, इनको कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डबल डैश ए वन। ओके, ठीक है, अब आप सोचोगे मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, और वैसे रिजल्ट आपका आ भी गया है, बट इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दो, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दो। अब देखो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, नेट रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे कि ए डैश बी डैश से ही मल्टीप्लाई डिवाइड मैं क्यों करता हूँ, तो उसका रीज़न है, देखो जो ए डैश बी डैश है वो इस लेंस के लिए इमेज का काम करता है, मतलब ए डैश बी डैश इमेज है ए बी के, इस वाले लेंस के लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये इक्वेशन अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा एम इज इक्वल टू, तो कुछ ऐसे लिखी जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इंटू
ई डैस बी डैस डिवाइड बाई ई डबल डैस ए वन। अब इस पर तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे, एम इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो ए डबल डैस बी डबल डैस, ए डबल डैस बी डबल डैस इमेज है किसकी, ए डैस बी डैस की। तो मतलब ये हो गया इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। और इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट किसके लिए है, ये आई लेंस के लिए है, तो ये आई लेंस की मैग्निफिकेशन हो गई है। तो इसको आप लिख देंगे एम ई से इंटू ए डैस बी डैस, ए डैस बी डैस इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन हो जाएगी एम ओ। तो ये मेरे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आ गई है, एम इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ। इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि ये जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा वो उसकी मैग्निफिकेशन फिर से ये प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपके पास आएगी। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो रख देते हैं। देखो कैसे रखेंगे, एम ओ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एम ओ क्या है, ये वाला जो लेंस है इसकी मैग्निफिकेशन है। तो लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एम इज इक्वल टू होता है एक तो एच टू डिवाइड बाई एच वन होता है इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, और एक होता है माइनस वी डिवाइड बाई यू लेंस के लिए, माइनस वी डिवाइड बाई यू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एम ओ को आप लिख सकते हो माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ लिख सकते हैं। आल्सो एम ई को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा आप, ये जो लेंस है इसका ऑब्जेक्ट ये था और ये ऑब्जेक्ट रखा था फोकस, ये देखो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, तो ये वाली इमेज बनी। सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम याद करके देखो आप, अगर बाकी सारे डायग्राम को तुम भूल जाओ और सिर्फ इसका डायग्राम याद रखो तो तुम ये पाओगे कि ये वाला जो डायग्राम बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है, सिंपल माइक्रोस्कोप का ही डायग्राम है। इसको तुम ऐसे है ये, इसको तुम ऐसे कर दो ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की साइड में इसकी इमेज, और ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो ऐसा तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में होता है। और उसकी मैग्निफिकेशन होती है वन प्लस डी डिवाइड बाई, मैं एफ ई लिख देता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्या लिख दिया मैंने एफ ई। ये दोनों के दोनों रिजल्ट आप यहाँ पुट करेंगे तो आपकी जो मैग्निफिकेशन एम आएगी वो आएगी माइनस वी ओ डिवाइड बाई यू ओ इंटू वन प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे कि माइनस साइन आ रहा है मेरे पास फाइनल रिजल्ट में, देखो माइनस का साइन आ रहा है। इस माइनस साइन का मीनिंग क्या है, इस माइनस साइन का मीनिंग ये है कि जो फाइनल इमेज बन रही है, फाइनल इमेज वो इन्वर्टेड बन रही है। दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। अब आप सोचोगे माइक्रोस्कोप से मुझे ऑब्जेक्ट देखने हैं और फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि माइक्रोस्कोप से मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हूँ, बैक्टीरिया वगैरह हैं वो हम देखने वाले हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको अप और डाउन आप ऐसे करोगे, जैसे ये ऐसे था ऐसे देखो या उसको ऐसे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा देखने में, इसीलिए ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला हो गया एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू वन प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई। न्यूमेरिकल सोल्व करो तो आप माइनस को ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे केस कंसीडर कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, एक स्पेशल केस में बनाता हूँ और उसके लिए जगह चाहिए बोर्ड पे थोड़ा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से हम, ठीक है, इसको हटा दिया। आप देखो अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं इसके फोकस के बहुत ही क्लोज रख दूँ, एक स्पेशल केस में बनाता हूँ यहाँ पे, और स्पेशल केस ये है इफ आपका जो यू ओ है वो वेरी क्लोज हो एफ ओ के, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे तो नहीं रखा हुआ है बट फोकस के बहुत क्लोज रख दिया मैंने, तो इन दैट केस जो वी ओ है वो लगभग एल के बराबर हो जाएगा। वी ओ कौन था, ये एल के बराबर होने का मतलब है ये इमेज जो है वो यहाँ बनने की बजाय लगभग यहाँ बनेगी। एल क्या है, एल है इस लेंस से लेके और इस लेंस के बीच की डिस्टेंस, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस एल है, और वैसे तुम देखोगे एल वी ओ प्लस यू ई के बराबर है नॉर्मल कंडीशन में, किसके बराबर है, वी ओ प्लस यू ई के बराबर एल है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। जब आपको एल निकालना पड़े ना, जब न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करेंगे आपको कहेंगे ट्यूब लेंथ निकालो,
तो उस केस में आपको वी ओ निकालना पड़ेगा और यू ई निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करोगे तब एल आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस के वेरी क्लोज रखा हो तो एल वी नोट के बराबर, अकेले वी नोट के बराबर हो जाता है। ये केस अगर मैं करूँगा तो इन दैट केस मेरे पास जो मैग्निफिकेशन है एम वो हो जाएगी, देखो वी नोट अपॉन यू नोट है, तो वी नोट तो हो गया आपके पास एल, यू नोट किसके बराबर हो गया आपके पास एफ हो गया इंटू वन प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई, तब उस केस में आपके पास ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब देखो इस फॉर्मूले को देख के आपको पता लग रहा है कि जो माइक्रोस्कोप है उसको में हमने ऑब्जेक्टिव को और आई लेंस को स्मॉल फोकस का क्यों लिया था। आप देखो जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगी, इधर भी इस फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगी। सो टू हैव द लार्ज मैग्निफिकेशन वी प्रीफर ऑब्जेक्टिव एंड द आई लेंस ऑफ द स्मॉल फोकल लेंथ। ओके ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो केस है, ये वाली जो मैग्निफिकेशन है ये स्ट्रेच्ड आई के लिए है। किसके लिए है? स्ट्रेच्ड आई के लिए। स्ट्रेच्ड आई का मतलब है कि जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बने। एक हमारे पास रिलैक्स्ड आई का केस होता है, कौन सी आई का केस होता है? रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के केस में जो मैग्निफिकेशन बनती है एम इज इक्वल टू, वो बनती है वी नोट बाई यू नोट इंटू डी डिवाइड बाई एफ। ये वाली जो मैग्निफिकेशन है ये रिलैक्स्ड आई के लिए है। इस फॉर्मूले को आप याद करके रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आपसे कहेगा रिलैक्स्ड आई कब बनती है? जब ये फाइनल वाली इमेज, ये वाली इमेज कहाँ चली जाती है? इन्फिनिटी पे चली जाती है। फाइनल इमेज कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तब रिलैक्स्ड आई का केस होगा। मैग्निफिकेशन का तब फॉर्मूला ये वाला होगा। स्ट्रेच्ड आई है या फिर आपसे कहे कि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनती है, तब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखें, एक ये वाला फॉर्मूला कब रिलैक्स्ड आई के लिए, ये वाला फॉर्मूला स्ट्रेच्ड आई के लिए, और एक जनरल कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी काम में आ जाता है जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एल जो है वो एक तो आपके पास होगा वी नोट प्लस यू नोट के बराबर। जब भी आपको ट्यूब लेंथ निकालने के लिए कहे तो आपको वी नोट निकालना है, यू नोट निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन। डायग्राम अच्छे से बनाना सीखेंगे आप। अब क्या है, ये जो करने के बाद सभी टर्म्स अच्छे से समझ लेंगे, यू नोट ये वाली डिस्टेंस है, वी नोट इसके ऑब्जेक्ट इसकी इमेज की डिस्टेंस है तो ये वाली डिस्टेंस है, यू ई इसका ऑब्जेक्ट मतलब ये डिस्टेंस है, एल दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है, इसको अच्छे से समझ लें आप। ठीक है, उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो विद वन न्यूमेरिकल आता है। आपको एग्जाम में एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, डायग्राम बनाना आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, न्यूमेरिकल जरूर साथ में आता है, तो उसके न्यूमेरिकल सम जरूर साथ में सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल का वीडियो जस्ट इसके जस्ट बाद आपको न्यूमेरिकल का वीडियो मिल जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, उस वीडियो को देख लें, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस उसमें सोल्व किए गए हैं, इसके ट्यूब लेंथ कैसे निकालते हैं और अलग अलग जो कंडीशन है, रिलैक्स्ड आई का जो केस है, रिलैक्स्ड आई का जो केस है, स्ट्रेच्ड आई का, सभी न्यूमेरिकल्स मैंने उसके अंदर सोल्व करके रखे हुए, उस वीडियो को आप ध्यान से देख लें। न्यूमेरिक जो आपका माइक्रोस्कोप का टॉपिक है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर माइक्रोस्कोप का रिलेटेड कोई डाउट आपका रहता है तो आपके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, उसका जो भी डाउट होगा आपका एज सून एज पॉसिबल मैं उसको सोल्व कर दूंगा।